अक्सर लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल, प्लीडर इत्यादि के बारे में सुनने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या अंतर होता है? क्या लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति होते हैं या इनके अलग अलग नाम हैं? क्या अटॉर्नी, सॉलिसिटर बनने के लिए लॉ में डिग्री लेना आवश्यक होता है? लॉयर कौन होता है? लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है, यानी विधि स्नातक, कानून का जानकार। जिसने LLB की डिग्री ले ली हो वह लॉयर बन जाता है। उसके पास कोर्ट में केस को लड़ने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से सनद मिलती है, वह BCI की परीक्षा को पास कर लेता है तो किसी भी कोर्ट में खड़े होने के लिए अधिकृत हो जाता है, तब वह एडवोकेट बन जाता है। LLB आखिर क्या होती है? LLB को लेगम बैक लॉज, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। क्लास के बाद या स्नातक करके भी बच्चे लॉ विकल्प को चुनते हैं और कानून से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इन्हें वकील कहा जाता है। एडवोकेट कौन होते हैं? एडवोकेट एक ऐसा शब्द है जिसे अधिवक्ता, अभिभाषक कहा जाता है, यानी आधिकारिक वक्ता जिसके पास किसी की तरफ से बोलने का अधिकार होता है। यही आपको बता दें कि एडवोकेट इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका अर्थ है पक्ष लेना। एडवोकेट वह होता है जिसको कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त हो। आसान शब्दों में कहें तो एडवोकेट दूसरे व्यक्ति की तरफ से दलीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करता है। अधिवक्ता बनने के लिए कानून लॉ की पढ़ाई को पूरा करना अनिवार्य होता है। बैरिस्टर किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वह बैरिस्टर बने, इसलिए वो 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही तो लौटे थे। यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह वकील का ही प्रकार होता है, जो कि आम कानून न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस करता है। लोक अभियोजक किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है, जिसने BCI की परीक्षा को पास किया हुआ है, और अगर ये व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है, यानी विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है, तो इसे ही हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहते हैं। CRPC का सेक्शन 24(2) में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। लोक अभियोजक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा CRPC के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाता है। लोक अभियोजक की मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलाना होता है। सरकारी अभियोजक का काम तब शुरू होता है जब पुलिस ने अपनी जाँच समाप्त कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की हो। सरकारी वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे और मामले के सभी तथ्यों, दस्तावेजों और साक्ष्य को प्रस्तुत करे, ताकि सही निर्णय पर पहुंचने में अदालत की सहायता की जा सके। प्लेडर किसे कहते हैं? अगर यही डिग्री धारी या यही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आता है तो बन जाता है प्लेडर। इसे अभियोजनकर्ता भी कहते हैं। प्लेडर दरअसल वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी पैरवी करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में धारा 2(7) के तहत एक सरकारी याचिकाकर्ता भी बनता है, जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार सभी सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी अभियोजनकर्ता। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता है, और अगर वह राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है तो उसे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारत में एक एडवोकेट जनरल एक राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इस पद को भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है। यही आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं? अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है, और अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत होता है, तो वह महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मत अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।
यही आपको बता दें कि महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं? अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है और अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाता है तो उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। वह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और सॉलिसिटर जनरल को 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भारत में अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल और विधि अधिकारियों नियम और शर्तें नियम 1972 के संदर्भ में भारत में सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और उनकी ओर से पेश होते हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल के पद के विपरीत, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक स्टैट्यूटरी हैं। अपॉइंटमेंट कैबिनेट समिति सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि लॉयर, एडवोकेट, प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल इत्यादि शब्दावली में क्या अंतर होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।